हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और एक नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं सोनिया आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज है सावन का लास्ट सोमवार और रक्षाबंधन भी, तो उसके लिए बन रहा है पूड़ी और हलवा। तो मैं तो पूजा नहीं करूँगी, पूजा मेरे हस्बैंड करेंगे, सिर्फ मैं हलवा और पूड़ी दे रही हूँ बना के और मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं। तो लास्ट सोमवार को ना रोट चढ़ता है हमारे यहाँ पे, अगर जो सावन का सोमवार का फास्ट रखते हैं तो व्रत, तो व्रत में लास्ट दिन माता जी को। हेलो फ्रेंड, हैप्पी रक्षाबंधन। आज रक्षाबंधन और सावन का सोमवार दोनों ही है, आज 19 तारीख को। और यहाँ पे पूजा पाठ हो चुकी है, यहाँ पे पूड़ी हलवा भी चढ़ चुका है भगवान को, और पूजा मेरे हस्बैंड ने की है और मैंने किचन का काम सारा निपटा लिया है। और अभी टाइम हो रहे हैं 9:30 के लगभग हो रहा है, 9:30 बजे तक हो चुका है। अभी मुझे घर में सिर्फ बच्चों को उठाना नहलाना है और अपने लिए, और मेरी ननद आने वाली हैं तो उनके लिए मतलब फास्ट का जो भी सामान होता है वो बनाऊंगी खाने के लिए। उसके बाद मैं रेडी वेडी होंगी। अभी मुझे कपड़े उपड़े धो दिए हैं, वो सब फैलाने हैं। आप लोग ब्लॉग वीडियो में बने रहिएगा। तो मैंने कपड़े उपड़े फैलाए और उसके बाद मैं जैसे ही झाड़ू लगा रही थी ना फ्रेंड्स, तो देख लिए सडनली मेरे साथ में क्या हुआ। आज मेरा फास्ट भी है, मतलब व्रत भी है, और उस दिन मैं क्या कर रही हूँ और रक्षाबंधन है। मैंने कल ही साफ़ सफाई कर ली थी राखी के एक दिन पहले, और देखिए यहाँ पे हमारे ना दरवाजे पे हमेशा एक डॉग बैठा ही रहता है। वो रोड पे का स्ट्रीट डॉग है, तो क्या है ना कि वो हमेशा यहाँ बैठता है और सभी जो बगल में हैं सभी लोग खाना उसे दे देते हैं, तो यहीं आके वो बैठ जाता है और बहुत अच्छी रखवाली भी करता है, लेकिन वो गंदगी कभी नहीं करता था। लेकिन अब ऐसा हो गया ना, वो 2 बार से पता नहीं उसकी तबीयत नहीं ठीक है कि क्या हुआ, वो पूरे दरवाजे पे कभी वोमिटिंग कर देता है, कभी लैटरिंग कर देता है, बहुत ही गंदगी मचा के गंद रख दिया है। तो आज सुबह सुबह ही मुझे उसने वोमिटिंग कर दिया था और मेरा फास्ट भी था, तो मुझे फिर से नहाना पड़ा। और वैसे तो मैं वैसे भी नहाती हूँ, लेकिन आज मतलब मुंह दबा के मैंने उसकी वोमिटिंग साफ़ की है और बच्चे लोग ने मुझे पानी ला ला के दिया है, उसकी वजह से पूरे घर में भी छिट्टे आ गए थे। तो मैंने पूरे दरवाज़ा धोए पोछे और फिर घर में साबुन डाल के मैंने घर भी पूरा धोया पोछा, झाड़ू भी धोया, क्योंकि वो वोमिटिंग का छिट्टा मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है कि पूरे घर में आ गया। मैं एकदम परेशान हो गई थी। आज राखी बनाने जा रही थी तो राखी मतलब मूड एकदम ख़राब हो गया पहले, फिर बाद में मैंने अपने आप को संभाला, मैंने बोला कि जाने दो त्यौहार है, इसने तो मूड ख़राब कर दिया, बट मैं अपना मूड क्यों ख़राब करूँ, जाने दो, सफाई तो मुझे करनी ही पड़ेगी। अब उसने गंदगी की है तो मैं तो इसे छोड़ नहीं सकती, तो मुझे तो साफ धोना पड़ेगा ही, तो मैंने धो दिया। फिर उसके बाद मैंने बोला कि चलो जाने दो मूड अपना सही करती हूँ, क्योंकि आज त्यौहार है। तो वैसे भी मेरा मूड ख़राब हो ही गया था, क्योंकि आगे आप लोगों को मैं बताऊंगी क्यों मेरा मूड ख़राब हो गया था। आज बहुत लेट हो गया था मुझे अपना फेस्टिवल मनाने में, तो इसलिए थोड़ा सा अपसेट भी थी, और लेकिन त्यौहार था तो इसलिए त्यौहार को मैंने खूब इंजॉय से इंजॉय किया है। तो ये सुबह का टाइम था, मैंने पहले अपना घर का काम करना था। इस बार साइज जो होती है ना, आज इस बार बहुत अच्छा टाइमिंग था, पिछली बार बहुत परेशान हो गए थे, तो इस बार 2024 में जो था ना टाइमिंग बहुत अच्छा था। मतलब 1:32 से भद्रात नहीं था जो मुहूर्त होता है, तो भद्रा मुहूर्त में राखी नहीं बांधते बहन अपने भाइयों को, और उसके बाद ही बांधते। तो पहले मैं आज वेट कर रही थी अपनी ननद का, ननद के आने के बाद मुझे जाना था अपने मायके अपने भाई को राखी बांधने। तो 1:30 मुहूर्त थी, 1:30 के बाद आप 9:30 रात तक कभी भी राखी बांध सकते हो अपने भाई को। तो बस यही मुहूर्त इतना अच्छा था कि सुबह का अपना काम कर लो, और जो भी हमारा जो सावन का लास्ट सोमवार था वो भी हमने निपटा लिया इसी में। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो ये देखिए मेरा फाइनल लुक, यहाँ से आप लोगों को दिखेगा मेरा फाइनल लुक। तो मैं कैसी लग रही हूँ इस ड्रेस में, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइए। फ्रेंड्स, मैं अभी अपनी ननद का इंतजार कर रही हूँ, मेरी ननद आ जाए। मैंने सारी तैयारी कर ली है उनके गिफ्ट की और राखी बांधने की, और जल्दी वैसे जैसे ही हो जाए तो मैं जाऊँ अपने भाई के घर पे। सो फ्रेंड, मैंने आज ये नॉर्मल सा अनारकली सेट पहना हुआ है, प्लाजो। तो आप लोगों को जरा सी पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं।
और मेरी ननद को हो गया बहुत ज़्यादा लेट, और यहाँ पे ननद आ गई फाइनली। देख लीजिए मेरी ननद को, आप लोग मेरे व्लॉग वीडियो में बहुत ज़्यादा पसंद करते हो तो इसीलिए मैं अपनी ननद का आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। तो वैसे भी है भी अच्छी प्यारी है तो आप लोगों को अच्छी दिखेगी और कितनी अच्छी लग भी रही है ना। अगर मेरी ननद अच्छी लग रही तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इससे मिठाई का डब्बा खुल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा परेशान है ये। तो मिठाई का डब्बा जैसे कैसे करके इसने मिठाई का डब्बा खोला, उसके बाद मतलब राखी बांधने के लिए लेट भी हो रहा था। इसके जो भाई हैं मेरे हस्बैंड वो गुस्सा भी कर रहे थे, तो ये अपना पहले थाली वेली सजा रही है, उसके बाद में पूजा होगी। इसका गिफ्ट यहीं रखा हुआ है। तो मैं बहुत इतना लेट हो रहा था ना तो मैंने ठीक से आप लोगों को इसका गिफ्ट भी नहीं दिखाया। तो चलो ठीक है, कभी मेरी ननद पहन के आएगी तो मैं आप लोगों को दिखाई दूँगी। साड़ी दी है, कुछ खास दिया नहीं है, बस साड़ी दिया है। तो मेरे हस्बैंड देखिए कितना इनको लेट हो रहा है, तो बस यही मेरी ननद तैयारी कर रही है फटाफट राखी बांधने की। और इस बार मेरी ननद ने मुझे भी राखी बांधी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये लटकन वाली राखी ना मैं अपनी भाभी को हमेशा बांधती थी, मैं भी हमेशा सोचती थी कि मुझे भी मेरी ननद बांधे। तो इस बार चलो भगवान ने बुद्धि दे दी मेरी ननद को ये वीडियो देख रही होगी तो मुझे गाली देगी, और उसने मुझे राखी बांधी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और इसी तरीके से हर साल भाई बहन अपनी त्यौहार मनाए और सभी इसी तरीके से खुश रहे। तो मेरी ननद राखी बांध के वो चली गई, उसके बाद में फटाफट मेरी ननद बेचारी पानी भी नहीं पी मेरे घर पर, क्योंकि उसे भी और भी जाना था राखी बांधने और मुझे भी जाना था तो अपने घर। तो मैं आ गई हूँ अपने मायके, अपनी मम्मी के घर, भाई भाभी को मैं भी राखी बांधूँगी। तो फ्रेंड्स मेरा तो इस तरीके से रक्षाबंधन हुआ, और मैं मायके आके ना मेरा मूड इसलिए थोड़ा सा ख़राब हो गया क्योंकि मैंने अपनी बहनों को बोला था कि थोड़ा वेट करने के लिए, लेकिन मेरी बहनें जो है ना उन लोगों को इतनी भूख लगी थी, क्योंकि आज था फास्ट और मंडे था तो इन लोगों को इतनी भूख लगी थी और राखी बांधने से पहले कोई खाता ही नहीं है, तो बस उसी के लिए दोनों जन ने किसी ने इंतज़ार नहीं किया मेरा और दोनों ने राखी बांध ली और लास्ट में मैं बची थी। तो चलो कोई बात नहीं, कभी कोई आगे कभी कोई पीछे, और मैं यहाँ पे अपने भाई भाभी की राखी बांध रही हूँ। Thank you.
तो सभी को तो राखी आप लोगों ने देख लिया, लेकिन यहाँ मेरे बच्चों का नहीं देखा। तो मेरे बच्चों का ये इकलौता भाई है, और कितना मतलब आज इसका वो है कि इसको चार चार बहनें राखी बांध रही हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल तीन ही हैं, मेरी ननद की लड़की अभी नहीं आई है यहाँ पे। और ये जेठानी का घर है, जेठानी के घर पे गई थी मेरी बेटियाँ दोनों, और ये जेठानी की बेटी हैं। तो वो तीनों जन ने राखी पहले बांधी, उसके बाद में फिर पूरी राखी की तैयारी हुई थी। तो आप लोगों को आज का व्लॉग ज़रा से ही पसंद आया हो तो छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मैं आप लोगों को अपनी बहनों से मिलाती हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देख के जाइएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप लोगों को एक बार और हैप्पी रक्षाबंधन।